आज के इस वीडियो में हम 13 जून से 19 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रिया पटेल। भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को अनुप्रिया पटेल ने लॉन्च किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनीता कर्णिक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट ने बिजनेस फॉर ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को विनीत कर्णिक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। इस नीति के तहत हिमाचल सरकार लाखों किसानों और बागवानों को ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। पिछले टॉप भारत का पहला से जुड़े प्रश्न, भारत का पहला वायु सेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेखो त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में बेखो उत्सव 2022 मनाया गया है। यह त्योहार राभा राज जनजाति द्वारा धन के देवता को खुश करने और अच्छी बारिश तथा अच्छी फसल की मांग करने के लिए मनाया जाता है। पिछले टॉप फेस्टिवल का रिवीजन, लोसांग महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया गया है। स्पुतक गुस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में मनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। तोरग्या महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें संस्करण का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। इस सम्मेलन में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और एकजुटता से मुद्दे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एआर रहमान। संगीतकार एआर रहमान भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिसका उद्देश्य उभरते कलाकारों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। पिछले टॉप ब्रांड एम्बेसडर का रिविजन, उपभोक्ता स्वास्थ्य ऐप फार्मा इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर विद्या वालन बनी है। हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयर के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनको
वैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन को किस संस्था ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार। जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को हरियाणा के हिसार में स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। एनकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय सरस कोविड टू डेल्टा वैक्सीन है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि यह कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूफी महोत्सव 2022 का उद्घाटन श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इस महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षा को उजागर करना और उनका प्रचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के लिए नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण श्रीनिवासन। कृष्ण श्रीनिवासन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निर्देशक बने। कृष्ण श्रीनिवासन चेंगोंग ली का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसके सदस्य देश 190 हैं। इसके अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। पिछले टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, भारतीय मूल के अतुल केशव को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पेट्रोल निर्यातकों देशों के संगठन के महासचिव हैथम अल गेस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री पियारे ओलिवियर गोसिसन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इंस्टाग्राम के बारे में जानकारी, इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम के वर्तमान ओनर मेटा कंपनी है। उसके फाउंडर केविन स्ट्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेश निवेश हासिल करने में 7वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेश निवेश वर्ष 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रहा है, जो कि 2020 में 64 अरब डॉलर था। शीर्ष 3 देश के नाम, पहले पर अमेरिका है 367 अरब डॉलर के साथ, दूसरे पर चीन है 181 अरब डॉलर के साथ और तीसरे नंबर पर हांगकॉन्ग है 141 अरब डॉलर के साथ। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर सुब्रमण्यम कुमार। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार बने हैं। आर सुब्रमण्यम कुमार राजीव आहूजा का स्थान लेंगे। आरबीएल बैंक के बारे में जानकारी, आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीएल बैंक की टैगलाइन, अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 121वें। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2021 में 163 देशों में भारत 121वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का वैश्विक मूल्यांकन है, जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है और अन्य देशों की तुलना में भारत की तैयारी में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखी गई है। रिपोर्ट में टॉप 3 देश, पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला
राजनयिका कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रबाब फतिमा। रबाब फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अबर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिका बन गई हैं। पिछली टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्तियां का रिवीजन। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी है। तेल एंड प्राकृतिक गैस कंपनी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्बा टेरहो बनी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ ए मणि मेखलाई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए वाईएसआर यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसान को कृषि में इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इस नक्शे में चांद के सभी क्रेटर एवं आकृति को शामिल किया है। वैज्ञानिक इस नक्शे की सहायता से भविष्य में चांद की अध्ययन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जिस चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री रोवर्स और एवं लैंडर को पड़ोसी उपग्रह की सतह पर उतारने में भी मदद करेगी। पिछली टॉप चांद से जुड़े प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की परिधि 10,921 किलोमीटर की है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का कहाँ उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद, गुजरात। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इन स्पेस मुख्यालय को बनाने का लक्ष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देना है, ताकि भारत की एक अलग छवि तैयार हो सके। इन स्पेस, इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। राइट टू रिपेयर कानून का लक्ष्य कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स उपकरण तथा इनको ठीक करने हेतु उपभोक्ता और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करवाना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके, इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन जे ओझा। एन जे ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार एवं वयस्क के सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि मित्तल बने हैं। डीआरडीओ की
रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक श्री निवास मूर्ति बने हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार बने हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दविंची 2029 नामक मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नासा अमेरिका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दविंची 2029 नामक मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन वर्ष 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा। नासा के वैज्ञानिक इस मिशन को दो पार्ट में लॉन्च किया जाएगा। पहले हिस्से में अंतरिक्ष यान शुक्र के चारों ओर दो बार परिक्रमा करेगा। इसके बाद वह शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान से प्रोप को गिराया जाएगा। दाविंची का फुल फॉर्म हो जाएगा डीप एटमोस्फेयर वेन्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिकल एंड इमेजिंग मिशन। नासा के बारे में जानकारी, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा का स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष बिल नेल्सन है। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 जून। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल दिवस के खिलाफ ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2002 में बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। तब से यह दिन दुनिया भर में बाल श्रम को मजबूर बच्चों को सामान की जाने वाली हानिकारक मानसिक और शारीरिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कोविड-19 के टीके खाद्य सुरक्षा और मत्स्य पालन और अनियंत्रित फिशिंग पर सब्सिडी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत इस सम्मेलन में अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के स्थायी समाधान का मुद्दा उठाया है। भारत की तरफ से अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की है। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य देश 164 है। महानिदेशक नागोजी ओकोजो इवेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो सिगरेट के पैकेट पर लिखित व फोटो के रूप में चेतावनी लिखना अनिवार्य करेगा। इस पहल के शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सिगरेट के नुकसान से अवगत कराना है। इससे पहले कनाडा में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति लागू की गई थी। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन एंड्रयू है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, पहला रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को विभिन्न सरकारी योजना के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजना के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। फ्रूट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से पीएम किसान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भुगतान, विशेष वित्तीय सहायता और जाति प्रमाण पत्र जैसी कई योजना का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भारत के मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता साझेदारी को मजबूत प्रदान करना है और कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन सुगमता के लिए रोडमैप तैयार करना है। सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका और तुबा हसन पाकिस्तान। आईसीसी ने पुरुष वर्ग में श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को मई 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। महिला वर्ग में पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाज तुबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। आईसीसी उन पुरुष महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव। तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल श्रीवास्तव ने इटली में 9वें कोटालिया शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव एफआईडीई रेटिंग में 2500 की बाधा को तोड़कर यह खिताब हासिल किया है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम है और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षित मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिक मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला एक कौशल कार्यक्रम है जिसमें एक व्यक्ति एक कंपनी द्वारा प्रशिक्षु के रूप में संलग्न होता है तथा अवधि पूर्ण का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसके उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुकों को कम काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्तों को उचित प्रतिभा का दोहन करने व बेहतरीन शिक्षण के साथ अलग अलग प्रकार के व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉपेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो कॉपेट का 38वां संस्करण अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्य, नौवहर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइस चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर। इन ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश भर में अलग अलग राज्यों से 188 जिले शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। ईट राइट चैलेंज का राइज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के सुरक्षित स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। टॉप तीन शहर के नाम पहले पर इंदौर, दूसरे पर वाराणसी, तीसरे पर भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 जून। हर साल 14 जून को विश्व रक्त स्तर पर रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस साल मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस की मेजबानी कर रहा है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जून।
प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में केरल राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में राज्य के शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की ई गवर्नेंस सेवा वितरण का प्रभावशीलता का 7 क्षेत्रों के आकलन किया जाता है। वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय सरकार और उपयोगिता, समाज कल्याण, पर्यावरण क्षेत्र और पर्यटन। केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम स्कोर जम्मू कश्मीर का है। उत्तरी पूर्व और पहाड़ी राज्यों में उच्चतम स्कोर नागालैंड का है। टॉप 3 शीर्ष राज्य के नाम पहले पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को शुरू किया है। इस नीति के तहत तकनीकी क्षेत्र में माहिर युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह नीति बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में नए मानक और दक्षता लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सशक्त बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्निपथ। केंद्र सरकार ने सशक्त बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को 4 वर्षों के लिए शुरू किया। इस योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 45,000 लोगों को सेवा में शामिल किया जाएगा। अग्नि सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवर नाम दिया गया है। ये रेगिस्तान, पहाड़, भूमि, समुद्र और हवा जैसे विभिन्न इलाकों में काम करेंगे। पिछली टॉप केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का रिवीजन पानी की खपत को रोकने कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है। छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्ति करने के लिए किसान भागीदार प्राथमिकता हमारी अभियान को कृषि और कल्याण मंत्रालय ने की शुरू किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान संस्थान कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी बन गई है। ओमनी कार्ड एक मोबाइल ऐप के साथ एक रुपए संचालित प्रीपेड कार्ड है जहां उपयोगकर्ता स्वाइप, स्कैन, टैप और ऑनलाइन भुगतान का उपयोग करके खर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चर्चा की है। यूरोपीय संघ के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप के स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसके गठन 1993 में हुआ था, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी
क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में पश्चिमी राज्यों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय बुनियाद ढांचा, परिवहन और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है। इसका आयोजन स्थल दीव, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली अंकोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोची, केरल। केरल कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली अंकोलॉजी प्रयोगशाला केरल के कोच्चि में स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। यह प्रयोगशाला उन्नत केंद्र व्यक्तिगत लक्षित चिकित्सा में सहायता के लिए आणविक और जीनोमिक स्तरों पर नमूनों का विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी। पिछले टॉप भारत का पहला जुड़े हुए प्रश्न का रिवीजन, जैव विविधता रजिस्टर्ड पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण ने खादी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। भारत का पहला वायु विरासत केंद्र चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला रेलवे टर्मिनल बनाया गया है। यह आधुनिक स्टेशन 4200 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इस स्टेशन में प्रतिदिन 50 ट्रेन का परिचालन किया जा सकता है और इसमें 7 प्लेटफॉर्म के अलावा 8 स्टेबल लाइनें और 3 पिट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जून। प्रतिवर्ष 15 जून को दुनिया भर में विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। पहला वैश्विक पवन दिवस 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा मनाया गया था। यह दिवस दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेलसेन, डेनमार्क। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने चीन के टी एन चेन को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम, महिला एकल में चेन यूफेई ने चीन की है, इन्होंने जीता है। पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, ये डेनमार्क से। पुरुष युगल में फजल अफियान मोहम्मद और रियान अर्दियंतो इंडोनेशिया ने जीता है। महिला युगल में चेन किंचिंग और जिया यीफान ने जीता है, ये चीन से है। और मिश्रित युगल में झेंग सिवेई और हुआंग याकी ओंग ने जीता है, ये भी चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन टेबलेट कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। इस प्लांट का निर्माण गोल्ड रिटेलर राजेश एक्सपोर्ट्स की सहायता कंपनी 2400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ करेगी, जिसमें जनरेशन 6 एमोल्डेड डिस्प्ले फैब की इकाई स्थापित की जाएगी। इस डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगली पीढ़ी में कुछ बेहतरीन वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा और वैज्ञानिक उन्नत प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का केरल राज्य
एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं वैश्विक रैंकिंग में केरल को चौथा स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर बेंगलोर ने वर्ष 2022 में टेक वेंचर कैपिटल निवेश के लिए दुनिया में पांचवा स्थान हासिल किया है, जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में यह 22वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत ने वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में व्यापार, रणनीतिक संबंध और इंद्र प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को पहले से ज्यादा बढ़ाने पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर, केंद्रीय विदेश मंत्री ने की है। एशियन देश के बारे में जानकारी, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसको पूरा फुल फॉर्म है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके अध्यक्ष ली सिंग लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियोंग टेक, दक्षिण कोरिया। एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन दक्षिण कोरिया के पियोंग टेक में हुआ है। इस चैंपियनशिप में भारतीय पैरा पावर लिफ्टिंग मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने कांस्य पदक जीते हैं। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग में परमजीत कुमार ने 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीएस पाटिल। भिगमन गोड़ा सगन गोड़ा पाटिल कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं। भीमन गोड़ा सगन गोड़ा पाटिल बी विश्वनाथ शेट्टी का स्थान लेंगे। पिछले टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निर्देशक राम बाबू प्रसाद बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक राजीव कपूर बने हैं। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एसएस मुंद्रा बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट पर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन को सोलर पीवी हाइब्रिड को लगाया गया है, जो 36 किलोवाट दिन ऊर्जा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नायडू सनापति। गुरु नायडू सनापति IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी बन गए हैं। गुरु नायडू सेनापति ने 230 किलोग्राम की कुल लिफ्टिंग के साथ पुरुष की 55 किलो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 37वें। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है, जो कि वर्ष 2021 में 43वें स्थान पर था। इस सूचकांक के अनुसार भारत में एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता
स्पर्धात्मक सूचकांक एक व्यापार वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें कुल 63 देशों और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर रैंक किया जाता है, जो है आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता, आधारभूत संरचना। इसमें टॉप 3 देश पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार परीक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिवार हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतरराष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।